नगर पंचायत देवकर इलाके के महाराणा प्रताप भवन पर आम चुनाव हुआ, जहां पर राजपूत क्षत्रिय उप समिति धमदा का निर्वाचन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें 23 गांव से 708 मतदाताओं ने मतदान किया। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पंकज सिंह राजपूत ने 490 वोट हासिल कर अपने प्रतिद्वंदी से 293 मतों से विजय हुए। वहीं उपाध्यक्ष के लिए भूपेंद्र सिंह राजपूत ने 420 वोट प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी से 204 वोटों से विजय हुए। वहीं चुनाव अधिकारी संतोष सिंह चंदेल ने शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव मतदान संपन्न कराया। बता दें कि इस दौरान एकता पैनल की एकतरफा जीत पर राजपूत समाज के लोगों ने विजयी प्रत्याशियों को मुंह मीठा कराकर बधाई दी। समिति धमदा का त्रैवार्षिक आम निर्वाचन 2022 संपन्न हुआ। पूर्व में नामांकन के दिन ही 13 प्रत्याशी मेरे पैनल के निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो गए थे और 3 पद में निर्वाचन होना था, किन्हीं कारणों से एक पद में स्थगित हुआ और शेष 2 पद के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए आज निर्वाचन संपन्न हुआ, जिसमें उप समिति के समस्त स्वजाति बंधुओं ने, माताओं ने, बहनों ने, युवा भाइयों ने, बड़े बुजुर्गों ने मुझे चौथी बार अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया। इसके लिए मैं उप समिति धमदा के सभी माताओं, बहनों, युवा भाइयों, बुजुर्गों, बड़े बुजुर्गों, बच्चों को हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ। साथ ही साथ मैं उप समिति धमदा के समस्त स्वजाति बंधुओं को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके जो विश्वास के साथ मुझे आपने चुना है, मेरी टीम को चुना है, मैं भरपूर तन मन धन इस उप समिति के सर्वांगीण विकास के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए अपना पूरा मेरी टीम के साथ समर्पित करूंगा। हमारी राजपूत क्षत्रिय महासभा 1282 पंजीयन क्रमांक उप समिति धमदा का 2 पदों के लिए निर्वाचन हुआ। पहला अध्यक्ष के लिए, अध्यक्ष के लिए 2 उम्मीदवार थे, पंकज सिंह राजपूत जी और दीपक सिंह राजपूत जी, जिसमें पंकज सिंह जी विजयी रहे। और उपाध्यक्ष के लिए 2 उम्मीदवार थे, पहला कल्याण सिंह चौहान जी।